प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सिर्फ थोड़ा पूछ रहा हूँ, अब आपका ध्यान कैसा लगता है? जो वास्तविकता हो सिर्फ वो बताएं। धीरे धीरे वो अच्छा होता है। हाँ, आप जो लास्ट बार बोला ओम तीन बार, तो मैं अपना नेत्र नहीं खोलना चाहता था। जी जी जी। तो वैसन के मैं सोचती हूँ कि बैठले रहेंगे, लेकिन थोड़ा से अभी पीरा है, दिक्कत होता है बैठने को। ये आपको बैठने में क्यों पीड़ा होता है? मालूम नहीं। क्या आपको आसन सिद्ध नहीं है? आसन सिद्ध नहीं है, जरा बता दें। क्या आपको आसन देर तक बैठने का आपको प्रयास थोड़ा कम हो गया गुरुजी? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जॉब के बगैर से। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं है। अब मैं लगता है कि मैं थोड़ा सा ही अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा ही ओम करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। आपको मैंने शक्तिपात भी किया, क्या मालूम था? मालूम था जी। आपको गहराई में जाना चाहिए, और आप कुछ ऐसा बोल भी रही हैं कि मैंने अभी ओम किया तो ऐसा लगता है आँखें ना खोलूँ, लेकिन क्या करूँ कि बहुत से साधक हैं, कोई पैर हिलाता है, कोई कुछ करता है, कोई खुजली करता है। साधिकाएं भी ऐसा नहीं, साधिकाओं की गिनती साधिकाओं की कम नहीं है, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। अब क्या कहें, ठीक है, धन्यवाद आपका। आप जी, आप गहराई में जा रही हैं। यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिलता है, अन्य कार्यक्रम भी होते हैं ध्यान के अलावा, प्रश्नोत्तर में ज़्यादा समय चला जाता है। सभी साधकों को आदत नहीं है ध्यान पे बैठने की, तो वो इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते थे, इसलिए मैं 25-30 मिनट में ओम बोल देता हूँ। वैसे एक घंटे होना चाहिए, तब असर पड़ता है। ठीक है, चलो, अच्छी बात है कि आपको अनुभूति हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ एकदम से सब वाइट, एकदम डीप में भीतर। जी ठीक है, आप यहाँ से जाने के बाद अभ्यास करते रहना, आपको लाभ होगा, आप गहराई में जाएंगी। जी जी, पीछे आपके हैं, उनको माइक दे दें। पीछे आप अपने, आपकी सिस्टर पीछे बैठी हुई, पीछे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ध्यान कैसा लगता है? जो वास्तविकता हो वो बताना, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बता दें गुरुजी को खुश करने के लिए। खुश करने को नहीं, वास्तविकता, तभी तो माइक नज़दीक करें। जो वास्तविकता हो वो बताएं, ताकि मैं समझ सकूं। गुरुजी, जैसे मैं आपसे बताया था कि मैं बहुत साधना कर रहा था, देर तक बैठा था, और ये जो सब बहन है मेरा, वो मेरा प्रेरित है, क्योंकि वो सब मेरा देख देख के मैं वो सब साथ निकस गया। लेकिन मेरा इतना क्रिया होता था कि मैं भारत में आकर एक आश्रम में 1 साल 3 मास तक सेवा किया है, तन मन धन सब कुछ से, और वो सुबह 3 बजे से शाम को 11:30-12 बज जाता था। तो मेरा ध्यान थोड़ा कम हो गया और प्राणायाम थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आपने जो कल मुझे शक्तिपात दिया है, आज दिया है, तो मेरा ध्यान जैसे पहले घर में होता था वही स्थिति में मैं जा रहा हूँ। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं अब प्रभु का कृपा से आपके पास पहुँचा। बहुत दिन से देखता था यूट्यूब पर, हम कुंभ मेला में आया था पूरा ग्रुप, और हम लोग आपके पास वो यहाँ के शिविर में आना चाहिए था, लेकिन मैं बोल दिया है कि जब समय हम लोगों के रहेगा तो हम लोग जरूर मिलेगा। त
तो अब समय आया, हम सब पूरा आया, सब तो नहीं आया, उसमें मैं से पांच हम सब आया है। और गुरु जी मेरा सब जो होता था सब कोई मुझे पागल समझता था। यहाँ पर मेरा एक जीजा जी है, वो श्याम महादेव, वो मुझे साइकियात्री ले जाना चाहिए था मेरा बहन के साथ। वो सब बोला आप पागल हैं, आप पागल हैगा, ये नहीं हो सकता है। तो मैं वो सबसे बोला जो दिन आप लोग के साथ ये होगा, जो मेरे साथ होगा, अनुभूति जो होता है तो आप लोगन समझेगा। तो वो सबके साथ होता है जो मेरे साथ, जो मुझे नहीं समझ पाता था। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरा माता पिता तो ये अब नहीं है जीवित, लेकिन मैं वो सबको कोटि कोटि भी प्रणाम करता हूँ कि आज मेरा माता पिता के कारण जो सूरीनाम में हम लोग पैदा हुआ है चार पीढ़ी पहले, और आके यूरोप में अपना धर्म नहीं छोड़ा हूँ और उसको आगे बढ़ाता हूँ, वो मेरा माता पिता का आशीर्वाद। अब वो जहाँ होगा वो जरूर दिखता होगा कि वो सबका बेटी लोगन कितना आगे बढ़ते धर्म में। और आपको भी धन्यवाद जो मेरे साथ पाँच छः साल से मैं ये पीरा लेके चलता था। जब से मेरा ये शुरू हुआ इतना पीरा कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन मैं पीरा सहते 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 वो कल मेरा 99% कम हो गया। आपका शुक्रवार तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि भगवान जरूर मेरा पुकार सुन लिया आज। और मैं आपको बहुत परेशान किया मैसेज पर मैसेज शिविर में आने के लिए। अब मेरा ये जो परिश्रम होगा मार्गदर्शन कौन करेगा, इसलिए मैं आपको किया था, उसके लिए मैं आपको माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। उस समय मैं व्यस्त था, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाया। मेरे लिए बहुत से साधक हैं, अपने अपनी बात कहते हैं, मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ। मेरा स्वभाव है कि जब मोबाइल खोलता हूँ और देखा जिसका मैसेंजर सामने आ गया चलाते हुए, उसी को उत्तर दे दिया, बंद कर दिया, अपना ध्यान किया, कुछ भी है कुछ मत सोचो। आपको यहाँ आकर के प्रसन्नता हुई, आपका ध्यान गहरा लगने लगा। आपने जो कहा कि पीड़ा होती थी आपको, पैन होता था, वो कम हुआ या लगभग ठीक जैसा, यानी कुछ परसेंट रह गया है, आपने 99 बोला, चलो अच्छी बात है कि आपको लाभ हुआ शिविर में आने का। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप कठोर साधना करती रहेंगी, करेंगी ना कठोर साधना? करता था, अकरती थू, थोड़ा गली कर्म योग में चला गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.